हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट नंबर 3 पे हैं। इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में। सेटिंग अप अ बिजनेस फॉर सक्सेस इज़ अ टॉल टास्क। देयर आर मेनी डिफरेंट स्टेप दैट कवर अ रेंज ऑफ बिजनेस of issues including accounting practice, hiring, purchasing, equipment and addressing just to name few। मतलब जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एक डिफ़िकल्ट टास्क है जिसके अंदर हमें वेरियस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और इसके अंदर मतलब क्या क्या आता है, जैसे कि हमें अच्छी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहाँ से हमें सामान को मतलब लेना है, हायर करना है, कहाँ से परचेज करना है, अपने परचेज डिसीजन को, हायरिंग को, एडवर्टाइजिंग को, तो ये सब चीज़ें हमें पहले ही पता होनी चाहिए। तो ये सब हमारा इंक्लूड होता है हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल ऑफ दीज स्टार्टअप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मार्केटिंग। मतलब इनमें हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम एक अच्छी मार्केटिंग को करें। डिफाइनिंग अ मार्केटिंग प्लान डिटरमाइन वाई अ कस्टमर वुड कम टू यू, आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर। मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कस्टमर हमारे पास ही क्यों आए। मतलब मार्केट के अंदर इतने सारे उनके पास ऑप्शन होंगे तो वो बस हमारे पास ही क्यों आए, तो हमें हमारे प्लान के अंदर इसका आंसर पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई कंजम्पशन दैट टारगेट योर कस्टमर्स। मतलब हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को साथ के साथ देखना चाहिए कि मतलब जिससे कि हमारे कस्टमर जो हमारे टारगेट कस्टमर है वो हमारे पास ही अट्रैक्ट हो, हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए। ड्राफ्ट योर ब्रांड पोजिशनिंग सिस्टम। हम अपने ब्रांड पोजिशनिंग सिस्टम को अच्छा करें, ब्रांडिंग को अच्छा करें। फिर आता है हाउ टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान। किस तरह से हम अपने मार्केटिंग प्लान को बनाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा सिचुएशन एनालिसिस। अपनी सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर आता है हमारा शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इन सबको हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे जिससे हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ सब कुछ पता चले। फिर हम किसके ऊपर टारगेट करेंगे, जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं। फिर हम अपने मार्केटिंग गोल को डिसाइड करेंगे, मतलब हमें कहाँ तक अभी अचीव करना है। स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स, मतलब किस स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है जिससे हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाए या फिर हम एक अच्छे मार्केटिंग प्लान को बना पाए। मार्केटिंग बजट, और अपने मार्केटिंग बजट को पहले ही डिसाइड करना है। फिर आता है इन्वायरमेंट एनालिसिस। अभी हमने देखा मार्केटिंग प्लान, उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक टूल। ये एक हमारा स्ट्रैटेजिक टूल होता है, इसके अंदर हमारे वो प्रोसेस आता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट्स को, विच कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जिससे कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट मतलब पड़ता है, उनको पहले ही आइडेंटिफाई करना कि मतलब किन किन चीज़ों से अपने बिजनेस पे असर हो सकता है। देर आर मोर स्ट्रैटेजिकल टूल दैट अ फर्म कैन यूज बट सम आर मोर कॉमन। द मोस्ट यूज डिटेल्ड एनालिसिस टू द एनवायरमेंट इज पेस्टल एनालिसिस। तो मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी कोई होती है तो उसका नाम है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट। इसके अंदर हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पेस्टल का मतलब क्या होता है, पी से आता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, ई से आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, एस से आता है हमारा सोशल फैक्टर, टी से आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ई से आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर और एल से आता है हमारा लीगल फैक्टर। अब हम इन फैक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। पी का मतलब है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, हमारा कोई भी गवर्नमेंट ने अगर अपनी पॉलिसीज वगैरह के अंदर चेंज कर लिया तो हम कितनी जल्दी से मतलब हमारा बिजनेस कितना फ्लेक्सिबल है कि वो जल्दी से अपने आप को चेंज कर पाए, तो ये आता है हमारे पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर। टैक्सेस, लॉ एंड टैरिफ। अभी जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी की वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए क्योंकि वो बिजनेस फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो अपने आप को पहले ही तैयार नहीं थे, उनके अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि अगर कोई भी चेंज होता है पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर तो वो जल्दी से अपने आप को चेंज कर पाए। स्टेबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एंट्री मोड रेगुलेशन, मतलब जो भी हमारा एंट्री मोड है उसको रेगुलरली चेक करना, तो ये सब आता है हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर।
उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है द फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब जो भी हमारे एक्सचेंज रेट चल रहे हैं उसको एनालिसिस करना, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को देखना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेक करना मतलब कितनी बेरोजगारी है हमारे देश के अंदर, इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को और क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को चेक करते रहना। तो ये सब आता है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर। फिर आता है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर आता है कल्चरल इम्प्लिकेशन, जेंडर एंड कनेक्टेड डेमोग्राफिक्स, द सोशल लाइफस्टाइल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, एजुकेशनल लेवल, एजुकेशन के लेवल को अच्छा करें, डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी वेल्थ को, वेल्थ इनकम। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी में आता है हमारा न्यू डिस्कवरीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू डिस्कवरी करें, इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेकर आए, और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस ज़्यादा मतलब कम करें, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट के अंदर आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट एंड वेदर, वेस्ट डिस्पोजल, एनर्जी कंजम्पशन रेगुलेशन। लीगल फैक्टर, लीगल मतलब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या क्या हमारे पास लीगल फैक्टर्स अवेलेबल है, उसमें आता है हमारा पेटेंट, इन्फ्रिंजमेंट, हेल्दी एंड सेफ्टी रेगुलेशन, कॉम्पिटेटिव रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन और प्रोडक्टिव रेगुलेशन। तो ये होता है हमारे पेस्टल के अंदर। पेस्टल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है जो हमारे इन्वायरमेंट पर असर करता है। इन्वायरमेंट में जो हमने देखा एक्सटर्नल और इंटरनल दो फैक्टर होते हैं, उसके साथ में हमारा जो मेन फैक्टर होता है वो होता है पेस्टल। तो हमने पेस्टल एनालिसिस करी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की अब मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।